गुड मॉर्निंग, स्वागत करते फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो भैया नहा के रेडी हो गए, फ्रेश हो गए हैं। आज सुबह 6 बजे से ही उठा था मैं मॉर्निंग में, क्योंकि मेरे एक छोटे वाले बहनों साहब चले गए अलीगढ़, अर्जेंट कुछ काम आ गया था इस वजह से वो चले गए। तो उनको मॉर्निंग में मैंने 6 बजे छोड़ा, फिर पापा को मैंने स्टेशन पर छोड़ा, उसके बाद आकर के फिर सो गया। तो अभी जाऊंगा मैं बाहर, तो मेरे एक बहनोई साहब हैं और तो वो भी आने वाले हैं कल, उनका भी टिकट बनाना है मेरे को, वेटिंग टिकट। अभी मैं पता है ऑनलाइन टिकट मतलब तत्काल काट रहा था, तो आजकल तो सिस्टम ही उल्टा हो गया भाई साहब, सिस्टम उल्टा हो गया पूरा। आपसे आपके काटने से पहले ऑलरेडी टिकट बुक हो जाता है, चाहे वो मतलब तत्काल का ही बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मैं अभी गरीब रथ का टिकट काट रहा था, 293 सीट शो कर रहा था, और जैसे ही 10:15 हुआ, तो जैसे मैंने मतलब बुकिंग करने के लिए कोशिश किया तो क्या कह रहा है, सॉरी सीट्स आर नॉट अवेलेबल, रिग्रेट कर दिया। तो अब तो वेटिंग टिकट लेना पड़ेगा मेरे को, तो अब जा रहा हूँ स्टेशन पर, वेटिंग टिकट ले करके जाएंगे, क्योंकि इनको रिपोर्ट करना है परसों को फिर टिकट। तो अभी नाश्ता वाश्ता करके दो पैसे दो, तो जितना लेट करोगे उतना घाटे में जाओगे, बता दे रहे हैं। लेट मत करो, हाँ 1100 रुपये पहले मेरे को दो। कहाँ कहला, बारिश करके धूप हो गया, कम से कम 3 दिन कंटिन्यू बारिश होता ना तब थोड़ा सा मौसम में नमी आता। बहुत गर्मी, देखो नहाने के बाद भी देख लो कितना, देख लो नहाने के बाद का ये हाल है। चलते हैं फिर नीचे, देखते हैं क्या मसला हो रहा है। रिबू, ए रिबू, एसी का 10:15 में स्टार्ट होता है तत्काल, और स्लीपर का 11:15 में स्टार्ट होता है ना। तो तू रिबू क्या कर रही, टुकू क्या कर रही हो, बस आवा देखती रहो बैठ करके। किसकी बेटी है, किसकी बेटी है बोल तो, किसकी बेटी हो? मम्मा की बेटी हो, मम्मा की बाबू है। पैंट मेरा ढीला हो रहा है थोड़ा सा, पैंट ब्लेड लगाना पड़ेगा। रिबू 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 ए रिबू रिबू तो बोल, मम्मा बोल तो, मम्मा बोल दीजिए, मम्मा बोल दीजिए, मम्मा सुबह सुबह उठ के बाल मचता है मेरा। मम्मा मेरा बेल्ट के हो, मेरा बेल्ट देखे हो, बेल्ट बेल्ट बेल्ट, आप ही जल्दी पैसा दो हमको, लेट मत करो। रिपू मम्मा का बेल्ट के हो तो डुगू, ओ मेरा बेल्ट यहाँ पर है, मेरे रूम में है, चला लो गर्मी है, चाय ऐसे ही छोड़ के चला के चली गई हम। अल्लाह पूरा लाल हो गया चाय एकदम, हाथ वाश कर ले के बाद क्या बना है देखते हैं। नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता करके निकलेंगे तो उधर में 5 मिनट में 100 रुपये और दो। बहुत ज़्यादा स्पाइसी बना था, मज़ा आ गया खाने में। यार मेरे को निकलना है यार लखनऊ, 25 को निकलूँगा इंशाल्लाह, अभी नहीं निकलूँगा।
टिकट भी तो लेना है, कंफर्म टिकट मिल नहीं रहा है। इतना धांधली हो गया इंडिया में, क्या बताएं, हर चीज़ में धांधली हो गया, एजुकेशन से लेकर के, जॉब से लेकर के, टिकट से लेकर के, एवरीथिंग। सरकार को ये नज़र नहीं आता, बस सरकार को कोरोना नज़र आता है। देश में इतना बेरोजगारी हो गया है, बहुत इतना परेशान लोग हो गया है, यही बताएं। ठीक है, कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर आपसे हम बाहर ऑन रोड, तब तक के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं टिकट बुक करने के लिए। कल एक पेन दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ रहा है यार रोड पे, एक पेन दीजिएगा। कितना हुआ जाते हैं, जा रहे हैं रिजर्वेशन काउंटर पर, इसके ऊपर जाना है मेरे को, जनरल टिकट मिलता है, इसके ऊपर रिजर्वेशन काउंटर मिलेगा, रिजर्वेशन टिकट मिलता है। अभी देखो अब कितना भीड़ होगा, वेटिंग टिकट लेने के लिए भीड़ होता है बहुत, देख रहे हो कितना भीड़ है, है नॉर्मल है आज, बहुत कम भीड़ है आज। मांग को लेकर उसने मंगाया, वो अपना है, उसका दूसरा है, हम दूसरा है, फिल कर लेते हैं इसको। पिन नंबर कितना है यार, गरीब रास्ता। फाइनली टिकट मिल गया है, इतना धांधली है रेलवे में कि भैया एक बंदा तो आ गया था, मतलब क्या बोलते हैं, अपना परिचय लेकर के, पता नहीं कोई उसके रिलेशन में कोई टीटी उटी था, तो मैं बोला भाई कोई भी हो, रूल सबके लिए बराबर है, ठीक है ना, हम बेवकूफ़ नहीं है कि सुबह से खड़े हैं यहाँ पर लाइन में लग करके, इतना देर खड़े हो और तुम आकर के फट से टिकट ले जाओ, तो ये मैं होने नहीं दूंगा। जब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने लगा तो उसकी तो हालत ख़राब हो गई भाई साहब, वापस रिटर्न, तो मेरे को टिकट मिल गया ये, अब के बाद जाऊंगा घर, इधर घर जा कर के आराम से अपना आराम करना है, खाना पीना खा करके सो जाना है थोड़ा सा। इतना धांधली है कि क्या ही बताए भाई, मैं सोच लिया था कि अगर अगर किस हल्का सा भी अगर ये धांधली करेगा ये काउंटर वाला, तो सीधा मैं वीडियो इसका वायरल करूँगा, लेकिन खैर इसने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं, सीधा मतलब उसका सीनियर कोई आया बाहर और बोला कि भैया आप लोग सब लोग लाइन में हो जाओ। सबसे बड़ी बात तो है कि एक भी GRP नज़र नहीं आया वहाँ पर, जबकि वहाँ पर उसको मौजूद होना चाहिए, बाई चांस अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है, कुछ भी ऐसा होता है तो कौन जिम्मेवार होगा। ये रिक्वेस्ट है हमारे DRM साहब से, थोड़ा सा आकर देख ले आरा रेलवे स्टेशन के नियंत्रण वर्कर्स अपने स्टाफ को, नहीं तो अगर ऐसे ही धांधली चलता रहेगा तो फिर तो बिहार तो ऐसे ही बदनाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिहार तो ऐसे ही बदनाम है और ऐसे ही बदनाम है। तो ठीक है, फिर काम तो हमारा हो गया है, अब यहाँ से हम निकलेंगे अब घर के लिए अपने 5 मिनट में, थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं, चाय वाय पीने के बाद उसके बाद सीधा घर आराम से, फिर आपसे मिलते हैं घर पर, तब तक के लिए बाय। फाइनली घर पहुँच गए, काम हो गया, टिकट बन के सब हो गया, मौसम तो अच्छा किया है, बहुत बेहतरीन लग रहा है, लेकिन बारिश का पता नहीं चल रहा है, बारिश होगा या नहीं होगा देखते हैं, बारिश होगा तो नहाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा कर दिया है, आज शाम में होगा बारिश तो नहीं नहाएंगे, फिर अभी अगर बारिश हो जाता तो फिर नहा लेते आराम से। बहुत ज़्यादा धूल उड़ रहा था भाई हाईवे पे, हाईवे छोड़ भाई मेन रोड पर, मेन टाउन में इतना धूल उड़ रहा था, कहाँ एकदम पड़ गया है। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो चलिए खाना वाना खा लेते हैं, बहुत हो गया, भूख लगी है, खाना वाना खाने के बाद
रेस्ट करने को मांगता अपन। शाम में फिर उठूँगा, उठते हैं शाम में, क्या प्लान है बना लेते हैं, इसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अलविदा। तो भैया का भी कॉल आया था, लैपटॉप वाले भैया का, उन्होंने बोला कि आपका काम हो गया है, आ जाइए, बन गया लैपटॉप, रिपेयर रेडी हो गया है वर्क। तो चाहते हैं अपना लैपटॉप लेने। आराम से यार, जुकाम भी हो गया मेरे को यार। अरे भाई साहब, बात चलते हैं अपने लैपटॉप को लेने। फिर खा करके निकल चले हैं फिर से घर से बाहर। घर से निकलते हैं, चलो फिर ठीक है, मिलते हैं भैया के दुकान पर। बने रही वीडियो में। लैपटॉप तो बन गया बॉस, लेकिन एक काम रह गया उसमें, वाईफाई का। एयरप्लेन मोड में हो गया है, अब उसको हटाने के लिए फिर मेरे को लैपटॉप लेके जाना पड़ेगा। अब वो भैया को मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि मतलब आपको उसी वक्त बोलना चाहिए था यार। तो मैंने बोला था उनको यार कि आप सब चेक कर लेना, लेकिन क्या बताया यार, और भी तो काम रहता है यार ज़िंदगी में यार, कितना आदमी याद रखेगा, क्या क्या याद रखेगा। तो फिर से एक बार उसको लेके जाएंगे दोबारा कल, बस और कुछ नहीं, बस वो वाईफाई थोड़ा सा, अगर वाईफाई मेरा वो सही हो जाएगा उसके बाद फिर मेरा क्रोम वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, स्ट्रीम वगैरह सारा चीज़ उसमें स्टार्ट हो जाएगा यूट्यूब से ही। तो फिर ठीक है, देखते हैं कल का, वेट करते हैं, क्योंकि अब जाने का मन नहीं कर रहा यार, बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो गया, थक गया हूँ यार सुबह से, मतलब मॉर्निंग 6 बजे, वो 6 बजे मॉर्निंग से एकदम उठ करके, मतलब रेस्ट भी नहीं किया हूँ सही तरीके से। जैसे ही लेटा मैं, भैया ने फ़ोन कर दिया, भैया आ जाओ, लैपटॉप आपका रिपेयर हो गया है। मैं गया तब देखा कि अपडेट हो रहा है अभी, तो ठीक है फिर। अभी तो मेरे एक बहन भाई साहब चले गए हैं घर, थोड़ा सुनसान टाइप सा लग रहा है, अभी और चले जाएंगे वो भी सुनसान हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता रहता लोग, चल अच्छा लगता है, थोड़ा सा माहौल सही लगता है, बातचीत हंसी मजाक होता रहता हम लोग में। चलिए खैर, हम भी निकल ही जाएंगे इंशाल्लाह, 25 को इंशाल्लाह निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें, बाय बाय।